बोकारो जिले के सेक्टर 4 स्थित मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में जिला स्तरीय सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का शुभारंभ बोकारो के विधायक बिरंची नारायण और बोकारो उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। यहां पर उपायुक्त कुलदीप चौधरी और विधायक बिरंची नारायण ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और फुटबॉल पर किक मारकर खेल की शुरुआत की। प्रतियोगिता 22 जुलाई से आगामी 26 जुलाई तक चलेगी। इस प्रतियोगिता में बोकारो जिले के 9 प्रखंड से फुटबॉल के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में चयनित फुटबॉल खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय फुटबॉल खेल में भेजा जाएगा। वहां से चयनित होने के बाद दिल्ली में आयोजित होने वाले सुब्रतो कप फुटबॉल चैंपियनशिप में खिलाड़ी भाग लेंगे। मीडिया से बात करते उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने कहा कि हमने प्रतियोगिता में भाग लेने आए सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया है, उनको बधाई और शुभकामनाएं दी है। जिला स्तरीय सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022-23 का कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो में उद्घाटन किया गया है और ये 2 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा। इसमें सभी प्रखंडों की जो टीम अपने अपने क्षेत्र में विनर हुई है वो आज पार्टिसिपेट की हैं और सभी लोगों को, सब बच्चों से, सब खिलाड़ियों से हम लोगों ने आज वो भी किया है, हम लोग मुलाकात भी की है। उनको सबको हम लोग बधाई और शुभकामना देते हैं। इसी प्रकार के आयोजनों से खेल भावना का भी यहाँ लोगों में विकास होता है और डेफिनेटली जो एक कंप्लीट ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का हमारी लाइफ में जो इम्पोर्टेंस है उसको भी कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम और प्रतियोगिता के आयोजन से बल मिलता है।